आज हम लोगों ने यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट किया है वो इस चीज़ को लेके किया है कि मैं हमें ये लगता है कि हमारे जो कठुआ के पार्षद हैं वो दलाली में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि किस चीज़ की दलाली उनको करनी चाहिए और किस चीज़ की दलाली उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज इस मसले को लेके हम लोगों में ये रोष है वो ये मसला था कि हमारे यहाँ पे एक अध हुआ करता था शमशान घाट में वो पीछे हुआ करता था और हमारे यहाँ के पार्षद को पता नहीं उससे क्या तकलीफ हुई कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था यहाँ से कि कोई रोड को चौड़ा किया जाएगा जब कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम यहाँ पे नहीं थी कि जिस कारण उसको वहाँ से उठाने की ज़रूरत थी उन्होंने अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या किसी हो सकता है किसी की जमीन वाले के साथ मिल जिसकी ज़मीन में हमारे पैदा होने से पहले का वहाँ पर बना हुआ था वहाँ से उठा के थोड़ी आगे रखा फिर आगे किसी ने ऑब्जेक्शन की वहाँ से उठा के उनको जब कोई जगह नहीं मिली उन्होंने ये आप देख सकते हो कि यहाँ मंदिर है शमशान घाट के अंदर इसके सामने इसको लगा दिया इन्होंने सोचा कि लोग तो विरोध करेंगे शिवजी भगवान मेरा कौन सा विरोध करेंगे इनकी जो मानसिकता है ऐसी गिर चुकी है कि इन्होंने सोचा भगवान कौन सा आगे प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन उनको ये पता नहीं ये हिंदुस्तान है यहां पर जो भावनाओं से ही ये देश चलता है और धार्मिक भावनाएं हमारे लोगों में भरी हुई हैं आज भी हम मंदिर के आगे इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे पहला प्रश्न तो मेरे को पार्षद से यही है कि आप ये बताओ कि क्या कारण था क्या रीजन था कि आपने वहां से उठाया जबकि वहां पे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं था वहां पे कोई डेवलपमेंट में कोई रोड़ा नहीं अटक रहा था कि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम थी आप किन की दलाली कर रहे हो किन की दलाली की वजह से किन दलालों से आपने पैसे खाए कि आपको अचानक एक दिन में ही ये नौबत आन पड़ी कि जो पचास साल से वहां पर था तो आपने उठा के यहां पे रख दिया दूसरा बजट में ये पैसा आया हुआ था जो यहां पर पैसा लगाया मैं कह रहा हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हो अगर आप में थोड़ी भी बुद्धिजीवी हो तो आपने अगर पैसा लगाना है तो वो बाढ़ की डेवलपमेंट में लगाइए अगर सारे शमशान घाटों में डेवलपमेंट के लिए पैसा आया आपने देखा होगा कैसी डेवलपमेंट है लेकिन मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आए आईना की तरह दिखाओ कि ये वार्ड नंबर बारह उसके अंडर जो शमशान घाट आता है उसकी क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे बोली की जो हालत है ना आप दिखाओगे लोगों को समझ आ जाएगा कि के पार्षदा की क्या मानसिकता है और यहाँ ऊपर जाने के लिए उसको बल्लियों के सहारे से रोका गया है अगर आपके पास पैसे आए थे तो आप यहाँ पे लाइटें लगवा देते आप पे बोली साफ करवा देते टाइलें लगवाते ताकि मंदिर की भी एक शोभा बढ़ती क्योंकि हमारे जो युवा है यहाँ पे जग भी करवाते हैं और यहाँ पे डांड निकल ते थे आपको पता है यहां डान निकाल के खाना बनाते थे लेकिन इन्होंने वो भी बंद करवा दिया और यहां पर अर्ध मार्ग लगा दिया यहाँ पे इस रोड में जब हमारे यहाँ पे शव यात्रा आती है तो पैरों में कंकर चुपते हैं क्योंकि नंगे पाँव आना पड़ता है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप डेवलपमेंट आपके माइंड में थी तो आप ये रोड का काम के लिए बोलते और जो आठ लाख सेंशन हुआ है उसको लगवाते हैं यहाँ पर तो हम भी कहते हैं हमें भी फख्र होता लेकिन आप दलाली में इतने लिप्त हो चुके हो कि आपको ये नहीं पता कि मैं किस चीज़ की दलाली कर रहा हूँ आपने इसके लिए भी पैसे खाना शुरू कर दिए जबकि आज आपका पूरा मोहल्ला आपका पूरा युवा आपके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारी पार्षदा को मैसेज देना चाहता हूं कि आपको सिर्फ दो या चार दिन का टाइम है दो या चार दिन के अंदर अंदर आप इसको यहां से हटा लें अन्यथा ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार होगी और यह भी होगी क्योंकि हमने मीडिया के माध्यम से आप तक मैसेज दिया क्योंकि ये युवा यहां पर बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको ये खुद हटाने के लिए तैयार थे लेकिन हमने कहा कि हम लावे हाथ में नहीं लेंगे हमने अपना मैसेज पहुंचाना पहुंचा दिया लेकिन अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और हमारे मंदिर के सामने ऐसा काम किया गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे फिर हमें ऑर्डर ब्रेक करना पड़ा हम कर देंगे लेकिन इस पार्षदा को यह कहना चाहते हैं अगर डेवलपमेंट करानी है सही तरीके से करवाओ आपसे ज्यादा नलायक जो पार्षद है मैंने पूरे कठुआ के 21 वार्डों में नहीं देखा आप कहीं भी शमशान घाट में चल जाइए वहां की डेवलपमेंट देखिए और इसकी डेवलपमेंट कंपेयर करिए आपको साफ आईने की तरह दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या काम हो रहे हैं और किस कदर यहाँ पे दलाली है जो शाही हुई है ये कब बना गया था गया। ये यहाँ पे गया। कोई तीन चार दिन पहले है वहां से तोड़ा जा वहां पे अभी, अभी हटाया जा रहा था वहां पे तोड़ा भी नहीं है और हम तोड़ने भी नहीं देंगे वहां से ये मत सोचे कि वहां से तोड़ने दिया जाएगा मुझसे अभी तोड़ा नहीं गया है लेकिन इन्होंने अल्टरनेटिव यहाँ पे तैयार कर दिया कि हम यहाँ पे करेंगे बाद में वहां से तोड़ते हैं क्योंकि टेक्निकली चल रहे हैं ना ये दलाली करने में माहिर है

तब लोग आपको वोट डालेंगे ऐसे विकास के साथ विकास वो होता है कि आप यहाँ पे लाइटें लगवाते हैं आप यहाँ पे कोई अच्छा सा वो टाइलें लगवा के अच्छा सा बनवाते हैं ये रोड की जो जब शव यात्रा आती है पाँव में जो कंकर चुपते हैं उसके लिए रोड की बात करते हैं उसे डेवलपमेंट कहा जाता है आप अपनी दलाली के लिए चंद जमीनों की रेट बढ़ाने के लिए जो पचास साल से हमारे पैदा होने से पहले वहाँ पे शव वो था उसको उठा के यहाँ लाओगे ये डिवेल्पमेंट करवा रहे हो ऐसी डिवेलपमेंट हमारे लोगों को नहीं चाहिए जय जय हमारे जो शमशान घाट है इसके आगे जो इन्होंने बनाया है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर शिवरात्रि के दिन यहाँ पे हमने लंगर लगवाना होता है और हम शाम को जहाँ पे पूजा भी करते थे और इन्होंने ये गलत कर दिया इसको बनाकर ये हमको बर्दाश्त नहीं है अगर इनके माइंड में कोई बात है ऐसी तो कोई बात नहीं इनकी वो माइंड की बात भी हम निकाल देंगे जो पचास हमारे जो पहले बुज़ुर्गों ने जो बनाया था वो बुज़ुर्ग गलत थे ये जो पाँच साल के लिए जो वार्ड मेंबर हैं जो पार्षद है जो भी बनाए हैं ये सही हैं इन्होंने जेब बनाने से पहले इन्होंने जो बुजुर्ग आदमी थे उनकी सलाह क्यों नहीं ली महल्ले वाले से क्यों नहीं पूछा कि हमने जेब करवाने जो जे सही है या गलत है ये हमको ये बर्दाश्त नहीं है इनको एक दो दिन का टाइम दिया अगर ये उठ जाता सही है उसके बाद हम जो कार्रवाई करेंगे वो जिम्मेवार जी